नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। पप्पू यादव की पार्टी ड्राप को आज बड़ा झटका लगा है, जहां उनके पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं ने पप्पू यादव का दामन छोड़ दिया है। बता दें, भाजपा में आज पप्पू यादव की पार्टी की रानी चौबे और प्रसिद्ध डॉक्टर मृणाल शेखर ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। बता दें, इस अवसर पर बीजेपी के तमाम नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, सुशील मोदी, शहनवाज हुसैन, गिरिराज सिंह मौजूद रहे। इन नेताओं को भाजपा में शामिल कराते हुए सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उस पर भी अपने विचार रखते श्री विशाल गौरव जी, राम रंजन जी और हजारों की संख्या में पूरा बिहार से, खासकर बांका के इलाके से, बक्सर के इलाके से, भागलपुर के इलाके से, मोतिहारी के इलाके से, मोकामा के इलाके से, जो आज एक बड़ी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, मैं सभी लोगों का पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। और इस विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो बिहार है, इस बिहार को बदलना है और बदलाव की ओर खड़ा है पूरा बिहार। आज बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रत्येक दिन लगभग 20 से अधिक लोगों की हत्या होती है। इस पर चिंता करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ना तैयार है, ना सोचने के लिए तैयार है। और दूसरी जो पार्टी सहयोगी है, वो तो स्वयं ही गुंडों की पार्टी है, उस पर बातचीत करना बेकार है। क्योंकि पूरा जो पार्टी का प्रदेश आप देखेंगे तो या तो भ्रष्टाचार दिखेगा या अपराधी दिखेगा। लेकिन दुर्भाग्य है, नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री को, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कंधे पर बैठा कर बिहार में 5 बार मुख्यमंत्री बनाया हो, वो व्यक्ति भी बिहार के विकास से अपने आप को कोसों दूर पा रहे हैं। कोई चिंता नहीं हो रही। देखिए, विकास की किरण तभी बिहार में पहुंचेगा, या रोजगार की चिंता होती है तो यह पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर से ही हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर यदि ठीक होगा तो सरकार के तरफ आप नहीं देखेंगे, स्वयं रोजगार खड़ा हो जाए, बिजनेस खड़ा हो जाएगी और बिजनेस करने वाले लोग भी बिहार आएंगे। लेकिन आज बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरह धज्जियां उड़ रही है, रोज हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, कई बैंकों को लूटने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उनके चिंता में है कि हम जेट प्लेन से घूमकर दूसरे के यहाँ चाय नाश्ता करके प्रधानमंत्री बन जाए। कल हमने इसलिए ट्वीट किया था कि नीतीश बाबू की चिंता हो रही है कि अब उनका क्या होगा। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत गई, अब तो नीतीश कुमार जी का कोई दूसरा फ्रंट भी नहीं बनने वाला है, तीसरा फ्रंट भी आदरणीय पटनायक जी ने पूरा पोल खोल दिया कि कोई तीसरे मोर्चे की कल्पना नहीं हो सकती है। इसलिए बिहार की चिंता करनी है और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से 24 में बैठे और बिहार से 40 की 40 सीट जीत कर जाए, ये कल्पना के साथ आप तमाम लोग आए हैं, इसका स्वागत करना चाहते। और इतना स्वस्थ रहिए कि राष्ट्रीय जनता दल तो कुछ बचेगा, लेकिन 25 आते आते, 24 तक आधी खाली हो और 25 आते आते जनता दल यू का पूरे बिहार से नामो निशान मिट जाएगा। वो लोग नीच चावल खिला रहे हैं, शराब परोस रहे हैं, बिहार की जनता देख रही है। एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूंगी, लेकिन हजारों की संख्या में मीट चावल खिलाया जा रहा है, लोगों को शराब प्रस्तुत किया जा रहा है, ये जनता सब देखती है। नीतीश कुमार जी, आपको इसका जवाब 24 और 25 में जनता स्वयं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ड्राप पार्टी के दो सदस्य ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।